शाहीनों के शहर सरगोधा से मैं हूं नदीम खान। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीपीओ सरगोधा ने खवातीन के मसाइल हल करने के लिए ज़िला भर के थानों में लेडी मुहर्रर तैनात कर दी। सरगोधा ज़िला के 27 थानों में खवातीन की मदद और उनके मसाइल हल करने के लिए खवातीन पुलिस एहलकारों को बतौर नायब मुहर्रर तैनात कर दिया गया। ये खवातीन पुलिस एहलकार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक थाना में मौजूद रहेंगी और थाने में आने वाली खवातीन के मसाइल सुनकर इसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई करेंगी। हमारी पोस्टिंग का मकसद ये था थाना कल्चर को बेहतर बनाना और उसके साथ आवाम के लिए आसानी पैदा करना, खुसूसन लेडीज के लिए, क्योंकि थाने में कोई भी लेट जाती है वो खुद को महफूज समझे और एक औरत का प्रॉब्लम औरत सबसे बेहतर समझ सकती है। खवातीन पुलिस एहलकारों के नए मुहर्रर तैनात होने से न सिर्फ थाना में आने वाली खवातीन को अपने मसाइल बयान करने में आसानी होगी बल्कि इससे पुलिस की वर्किंग में भी बेहतरी आएगी। पहले थाना में ऐसे होता था कि जो लेडीज या हम आते थे तो फिर मेल्स के साथ सही बातचीत नहीं हो सकती लेडीज की, लेकिन लेडीज के साथ लेडीज की बातचीत बहुत अच्छे से होती है। डीपीओ अमारा अत्तर के मुताबिक इन खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात करने से पहले खुसूसी तरबियत दी गई। हमारे जो सोसाइटी के इश्यूज हैं वो आप जानते हैं कि वो खवातीन से भी रिलेटेड होते हैं और हमारी 50% पॉपुलेशन है जो वो फीमेल है और मैं समझती हूँ कि उनकी आसानी के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि कोई खातून जो है वो थाने में अवेलेबल हो। खवातीन एहलकारों की तैनाती मौजूदा हुकूमत की तरफ से पुलिस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम साबित होगा।